आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस नशे के खिलाफ जो हमारी मुहिम है, जो लड़ाई है, उसको बहुत जोश के साथ, शिद्दत के साथ पिछले कुछ सालों से चला रही है। नशे का सोर्स जो ज्यादातर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान की सरजमीन है, जहां से नशे की तस्करी बहुत बड़ी स्केल में जो है वो बाकी खितों में होती है। जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा रूट है जिसको बार बार इस्तेमाल करके पाकिस्तान की एजेंसीज और बहुत बार पाकिस्तान की दहशतगर्दी के चलाने वाले जो वहां पर अलग अलग तरह के आका हैं और दहशतगर्द तंजीमों के जो लोग उसमें सरगुना हैं, जो काम करते हैं, वो भी इस तस्करी को नार्को टेरर के जरिए से इस्तेमाल करते हैं, ताकि जहां पर मरती हुई दहशतगर्दी में फिर से जान फूंक सके। जो रिसोर्सेज, जो फंडिंग दहशतगर्दी को चलाने के लिए जरूरत होती है, इससे आने वाले पैसे को दहशतगर्दी को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सके। पिछले 5 साल से लगभग 39 केस ऐसे हुए जिसमें नार्को टेरर का मिक्सचर देखा गया और 70 के करीब, बल्कि 70 से ज्यादा लोग ऐसे जो इन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए गए और 4 क्विंटल के करीब जो इस तरह की तस्करी का सामान, जो नार्को टेरर के केसेस में सिर्फ शामिल है, मैं टोटल गिनती नहीं कर रहा हूं, वो पकड़ा गया। अलग अलग तरह की ड्रग्स पकड़ी गई और लगभग 100 के करीब ऐसे हथियार और 5 IDs और बाकी ऐसा साजो सामान पकड़ा गया जो नार्को टेरर के मॉड्यूल्स में शामिल था, जिनको पुलिस ने बस्ट किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।